शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग आजकल व्यक्तित्व शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्तित्व नामक प्रकरण में व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत में हमने कल व्यक्तित्व के हिप्पोक्रेट्स के, अर्नेस्ट क्रेस्मर के और सेल्डन के प्रकार सिद्धांत का अध्ययन किया है। आज हम व्यक्तित्व के प्रकार के सिद्धांत में रुचि के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, जो कि स्प्रिंजर महोदय के द्वारा दिया गया। तो आज का हमारा प्रकरण है स्प्रिंजर का प्रकार सिद्धांत। स्प्रिंजर का व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत यह है। सिद्धांत जो है जर्मन दार्शनिक थे ये, स्प्रिंजर द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है सब में तो रुचियां कम ज्यादा किसी भी क्षेत्र में होती हैं, लेकिन कुछ रुचियां ऐसी होती हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित कर देती हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व तो सक्रिय होता है, जिनके कारण व्यक्ति की पहचान बन जाती है, या यूं कहें कि जो अन्य रुचियों पर प्रभावी हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, या अन्य रुचियों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो व्यक्तित्व के इस प्रकार में पहला जो है प्रकार है वह है, इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हमने बनाया, उसको देख लीजिए, टी ई ए यानी टी फॉर चाय, एस पी आर, टी ई ए एस पी आर, टी फॉर थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल पर्सनल। पहला है थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक, यानी जर्मन के जो दार्शनिक थे स्प्रिंजर महोदय ने कहा कि रुचियां तो सब में होती हैं, लेकिन इन रुचियों में जो प्रभावी रुचि हो जाती है उसी के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है, जाना जाता है। तो स्प्रिंजर के द्वारा गए रुचि के जो प्रकार हैं वह छह प्रकार की रुचियां बताई गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो पहला प्रकार है वह है सैद्धांतिक प्रकार। इस तरह के व्यक्ति वे होते हैं जो किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में सिद्धांत का त्याग नहीं करते हैं। जब वे सिद्धांत का त्याग नहीं करेंगे तो सैद्धांतिक जो व्यक्ति होते हैं वे किसी भी दशा में अपने सिद्धांतों का परित्याग नहीं करते, चाहे जो हो जाए, यानी उनके लिए सिद्धांत ही महत्वपूर्ण होता है। वे सिद्धांत के अतिरिक्त किसी भी बात पर तैयार नहीं हो सकते, अर्थात प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर उनका यह सिद्धांत है कि प्राण चले जाए मंजूर है, लेकिन अपना दिया हुआ वचन नहीं टूटने देंगे, तो वे अपना दिया हुआ वचन नहीं टूटने देंगे और उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वे प्राण का भी दान दे देंगे। हमारे मानव समाज का इतिहास ऐसे बहुत से व्यक्तियों से भरा हुआ है। जैसे राणा प्रताप का नाम आता है भारतीय प्रसंग में, राणा प्रताप ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने तय कर लिया था कि आजादी, स्वतंत्रता ही एकमात्र लक्ष्य है, स्वतंत्रता से कम मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले में चाहे जितना दुख उठाना पड़ेगा उठाऊंगा, चाहे जितना युद्ध करना पड़ेगा करूंगा, चाहे मुझे मृत्यु को भी गले लगाना पड़े तो सहर्ष गले लगा लूंगा। भगत सिंह का नाम आप जानते ही हैं, 23 साल की युवा अवस्था में
भारत के इस शहीद ने अपने गले में फांसी के पंधे को स्वीकार कर लिया। आप तेग बहादुर, गुरु नानक, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है मानव समाज में जिन्होंने कभी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। तो जो व्यक्ति अपने सिद्धांत को ही सर्वोपरि मानता है, यानी उसके लिए न रुपया पैसा अर्थ का कोई, सिद्धांत से ज्यादा महत्व किसी का नहीं है, न रुपया है, न अर्थ है, न तो धर्म है, न राजनीति है, न समाज है, न सौंदर्य है, किसी भी प्रकार की कोई रुचि उसके सिद्धांतों से बढ़कर नहीं है। यह बात आप शायद समझ चुके होंगे कि स्प्रिंजर महोदय ने कहा, क्या कहा, कि जो सैद्धांतिक व्यक्ति होता है उसके लिए उसका जो सिद्धांत है, व्यवहार, आचरण, पालन का जो उसने अपनी एक क्राइटेरिया बनाई है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जीवन दर्शन होता है, तो उस जीवन दर्शन में उस व्यक्ति ने जो चीज तय किया है कि मेरे लिए अर्थ महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है, राजनीति महत्वपूर्ण है, सौंदर्य अनुभूति महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, अब इनमें से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही व्यक्ति को प्रभावी करता है और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। दूसरा होता है इकोनॉमी। जो दूसरा प्रकार उन्होंने रुचि का बताया वह था इकोनॉमिक टाइप। इकोनॉमिक टाइप का जो व्यक्ति होता है, इकोनॉमिकल जो होता है, वह किसी भी दशा में सिर्फ और सिर्फ धन को केंद्र बिंदु मानता है। वह कुछ भी करता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य अर्थ होता है कि क्या करेंगे कि मुझे अर्थ की कितनी प्राप्ति हो। वह अर्थ के अतिरिक्त किसी बात पर विचार नहीं करता। उसके लिए न तो सिद्धांत महत्वपूर्ण है, न तो सौंदर्य अनुभूति महत्वपूर्ण है, न तो सामाजिकता महत्वपूर्ण है, न राजनीति महत्वपूर्ण है और न ही धर्म महत्वपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक मूल्य को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, उनका हर कृत्य अर्थ को ही केंद्र मानकर निर्धारित होता है, उनके व्यक्तित्व का हर पहलू अर्थ से ही शुरू होता है, उसका केंद्र बिंदु अर्थ ही होता है। जबकि पहले में आपने देखा कि सिद्धांत ही सब कुछ होता है, सिद्धांत के अतिरिक्त तो किसी की बात नहीं करते हैं। आर्थिक प्रकार के व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, उनका धन ही सब कुछ है, यानी अर्थ ही सब कुछ है। तीसरा प्रकार है ए फार जो होता है वह तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार का मतलब सौंदर्य अनुभूति का होता है, एस्थेटिक टाइप का है, ASTHETIC, एस्थेटिक टाइप, यानी सौंदर्य की अनुभूति वाले व्यक्ति जो सौंदर्य अनुभूति करते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसी रुचि जिनकी होती है, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि रुचियां सब में हो सकती हैं, सब में कुछ कम ज्यादा में होगी, लेकिन जिस रुचि के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावित होता है वह रुचि व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो सौंदर्य अनुभूति का तात्पर्य है उनके लिए न सिद्धांत महत्वपूर्ण है, न अर्थ महत्वपूर्ण है, न समाज महत्वपूर्ण है, न राजनीति महत्वपूर्ण है, न धर्म महत्वपूर्ण है। उनकी रुचि किसमें है? सौंदर्य में है। वे जहां भी सौंदर्य की अनुभूति करने लगते हैं वहीं अपने व्यक्तित्व के अनुसार आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मनुष्य करता है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है आनंद की प्राप्ति करना। सौंदर्य अनुभूति वाले व्यक्ति कलाकार होते हैं, जैसे वे कलाकार सौंदर्य अनुभूति में संगीत के कलाकार हो गए, या कोई पेंटर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, कुछ प्रकार का व्यक्ति हुआ, तो वह सौंदर्य की अनुभूति जहां कर लेगा, जिस चीज में हमको आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सब बेकार सी वस्तु है,
तो एक सौंदर्य की अनुभूति करने वाला व्यक्ति जो सौंदर्य अनुभूति के केंद्र को मान करके ही अपने पूरे व्यक्तित्व की हर क्रियाकलाप को निर्धारित कर रहा है, वह वहां भी कला का ज्ञान प्राप्त करेगा, अनुभूति करेगा, उसको उकेर देगा कैनवास पर और लोग उसको देखेंगे। बहुत से आपने कलाकार देखे होंगे कि जहां हमें समझ में आता है कि यहाँ कौन सी बात नई है, उसमें वे नई बात खोज लेते हैं और हमें दिखाते हैं कि देखिए ये नई बात है। अगला होता है एस फॉर सोशल। सोशल अर्थात सामाजिक रुचि वाला व्यक्ति। जो सामाजिक रुचि वाला व्यक्ति होता है वह क्या करता है, उसके लिए न तो सिद्धांत महत्वपूर्ण है, न तो अर्थ महत्वपूर्ण है, न तो सौंदर्य अनुभूति महत्वपूर्ण है। वह समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, उसके व्यक्तित्व की हर पहलू पर समाज का ही प्रभाव होता है। वह जो कुछ भी करता है उसमें समाज की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपना जो व्यक्तिगत हित होता है उसका त्याग कर देता है, वह सिर्फ और सिर्फ सामाजिक हित में जीता है। जैसे कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी एक जो भी थे अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, जब वे भौतिक जीवन को व्यतीत कर रहे थे तो वे भी हमारे आपकी तरह बंधे हुए थे परिवार आदि से, लेकिन उनके लिए समाज को जगाना महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने उनकी रुचि जो थी वह समाज की सामाजिक रुचि सक्रिय हो गई और वे सन्यासी हो गए, समाज को जागृत करने में यहां से लेकर के अमेरिका ब्रिटेन आदि देशों तक वे गए। छोटी सी ही अवस्था में उनका स्वर्गवास भी हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जो समाज की सेवा को ही अपने जीवन का सब कुछ मान लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आधुनिक काल में भी, इस समय में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, आप देख सकते हैं। और अगला जो होता है पी फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है, पॉलिटिकल का मतलब जिसकी रुचि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है। राजनैतिक रुचि वाला व्यक्ति किसी भी दशा में वह न तो सिद्धांत को देखेगा, न तो अर्थ को देखेगा, धन को देखेगा, न कोई सौंदर्य अनुभूति की बात सोचेगा, न तो वह समाज की ही बात सोचेगा। उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वह सिर्फ और सिर्फ उसका राजनैतिक हित महत्वपूर्ण है। आजकल का जो दौर चल रहा है, जो राजनैतिक परिदृश्य है, राजनीतिक दशाएं हैं, राजनीतिक क्रियाकलाप है, राजनीतिक आचरण है, इसमें आपको देखना होगा तो दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक रुचि वाले व्यक्तियों के लिए न धर्म महत्वपूर्ण है, न समाज, न सौंदर्य अनुभूति, न अर्थ, न सिद्धांत। वे सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित की ही बात सोचते हैं। हर पल उनका व्यक्तित्व जो भी करता है वह राजनीति को ही केंद्र मानकर करता है और आगे बढ़ता है। तो स्प्रिंजर महामहोदय के अनुसार जो रुचियों का क्रम बताया गया, प्रकार बताया गया, उसमें अंतिम प्रकार था रिलीजियस अर्थात धार्मिक प्रकार के लोग। जो रिलीजियस होगा यानी धार्मिक होगा वह किसी भी दशा में कोई और बात नहीं सोचेगा, उसके व्यक्तित्व का हर पहलू सिर्फ और सिर्फ धर्म धर्म के नाम पर चलेगा और धर्म के लिए ही वह आगे बढ़ते रहेगा। जैसे आपके सामने महात्मा बुद्ध का नाम आता है कि जो एक राजपुत्र थे, राजपुत्र होने के बावजूद उन्होंने धर्म के लिए संसार की मोह का जो भौतिकवादी जीवन है उसका त्याग कर दिया और त्याग करने के पश्चात उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्धत्व को प्राप्त करने का मतलब अपनी चेतनता के, अपनी जो चेतनता अचेतनता है, अर्ध चेतनता है, उसके चरम तक वे पहुंचे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसका भी
अन्य किसी भी रुचि से कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि स्प्रिंजर महोदय ने व्यक्तित्व का एक प्रकार सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने रुचियों के अनुसार, इसका आधार क्या है यह भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं लिखा तो आपको देख लीजिए रिच, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसका जो आधार है, इस सिद्धांत का आधार क्या है, इस सिद्धांत का आधार रुचि है। और रुचियां कितनी है, रुचियां कुल मिलाकर स्प्रिंजर महोदय ने कहा कि रुचियां छह होती हैं, सैद्धांतिक रुचि, थ्योरेटिकल इंटरेस्ट, आर्थिक रुचि, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तीसरा एस्थेटिक यानी सौंदर्य अनुभूति वाले रुचि, एस फॉर सोशल इंटरेस्ट सामाजिक रुचि, पी फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट यानी राजनीतिक रुचि, आर फॉर रिलीजियस इंटरेस्ट। तो इनका मैंने भरपूर प्रयास करके आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, व्याख्या करने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया, आशा करते हैं समझ में आया होगा, आत्मसातीकरण तक पहुंचा होगा। यदि उसमें कोई चीज समस्यात्मक आपको लगती है तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न करिए, मैं आपको संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।